श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 16 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की छठवीं तिथि है। शिव पुराण कथावाचक श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कहना है कि श्राद्ध पक्ष में बहुत से लोग कोई भी शुभ कार्य के करने से डरते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मिश्रा जी की कथा अभी राजस्थान में चल रही है। मिश्रा जी ने श्राद्ध पक्ष के मास में करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, उसमें से एक उपाय आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी इन 16 दिनों में हम भी हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि यह मास पूरे साल में एक ही बार आता है, तो हमें इन 16 दिन का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही में हमें मिश्रा जी की कथा सुनकर उपाय भी करने हैं। मिश्रा जी ने पशुपति व्रत को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। हम आगे आने वाले वीडियो में आपको इस पर वीडियो बनाकर उपलब्ध जानकारी करवा देंगे। 16 सितंबर को छठ के दिन इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आपको क्या करना होगा कि एक लोटा लेना है जिसमें आप रोज जल चढ़ाते हैं, आप वह भी ले सकते हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोटा आप तांबे का मत लीजिएगा, क्योंकि हम इस लोटे में दूध को भी डालने वाले हैं, और दूध को इस लोटे में डालकर अगर शिव जी को चढ़ाया जाता है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमें स्टील का लोटा लेना है, उसे आधा शुद्ध जल से भर लेना है। वहीं आपको क्या करना होगा कि आपको बाकी बचा हुआ आधा लोटा कच्चे दूध से भरना है। यहाँ पर गर्म करा हुआ दूध मत लीजिएगा। अब आप क्या करिएगा कि इस लोटे में थोड़ा सा शहद 11 अक्षत के दाने डाल दीजिएगा। आप पितृपक्ष में 16 दिन में से यह उपाय कभी भी एक दिन या फिर लगातार 16 दिन कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अब आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा शहद 11 अक्षत के दाने और दूध को पानी में मिलाने के बाद उस लोटे को लेकर शिव जी को अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप यह सब सामग्री शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा, शिव जी को अर्पित कर दीजिएगा। पितृपक्ष में अगर यह उपाय किया जाए तो आपको पितृदोष कभी नहीं लगता है, और अगर आपके घर में पितृदोष होता भी है तो भी वह इससे समाप्त हो जाता है। आप इन 16 दिनों में से कभी भी इस दिन इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। खास करके 16 सितंबर छठ के दिन इस उपाय को करा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। आशा करता हूँ इस उपाय की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा दी है। अगर इस उपाय से जुड़ी हुई अगर आप और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिख सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा अभी भी चल रही है। अगर आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आगे आने वाले उपाय जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।